6 number, differentiate this with respect to this. If x belongs to minus 1 to 1 and x not equal to 0. चलिए तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं, लेट u इक्वल टू में ले लेते हैं tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस का x स्क्वायर माइनस 1 बाई x एंड v इक्वल टू ले लेते हैं साइन इनवर्स 2x बाई में 1 प्लस का x स्क्वायर। तो ये तो सीधे फॉर्मूला दिख रहा है इसका, 2 tan इनवर्स x का होता है, इसको पहले रहने दो। यहाँ पे हमें सपोज करना होगा, पुट कर देते हैं इसमें x इक्वल टू में tan थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस x स्क्वायर होता है तो tan पुट करते हैं, यहाँ थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ पे u इक्वल टू में हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई में आपका tan थीटा। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है, u इक्वल टू में tan इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा sec थीटा माइनस 1 बाई में tan थीटा। यहाँ पे देखिए u इक्वल टू में हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई cos थीटा माइनस 1 बाई में sin थीटा बाई में cos थीटा। अब इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं ऊपर दे लिए, u इक्वल टू में tan इनवर्स आ जाएगा आपका cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा बाई में sin थीटा बाई में cos थीटा। तो यहाँ देखिए cos से cos कट जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है नीचे, अब u इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 1 में ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और नीचे इसका 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 sin थीटा का फॉर्मूला, 2 से 2 एक sin से एक sin कट जाएगा। तो u इक्वल टू में हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस 1 टू 1 x लाई कर, यहाँ u का वैल्यू आ जाएगा थीटा बाई 2, यानी u इक्वल टू में हो जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स x एंड v इक्वल टू में क्या था जी, 2 tan इनवर्स x। चलिए अब दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा du बाई में dx इक्वल टू में 1 बाई 2 इंटू में 1 बाई 1 प्लस का x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dv बाई dx इक्वल टू में 2 इंटू में 1 बाई 1 प्लस का x स्क्वायर। यानी आ जाएगा du बाई dx इक्वल टू में हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू में 1 प्लस का x स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ dv बाई dx हो जाएगा आपका 2 बाई में 1 प्लस का x स्क्वायर इक्वेशन है सेकेंड। अब इसमें इसे डिवाइड कर देते हैं, लिखते हैं डिवाइड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो डिवाइड करके देखते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर लिख सकते हैं du बाई dx बाई में dv बाई dx इक्वल टू में 1 बाई 2 इंटू में 1 प्लस का x स्क्वायर, और बाई में 2 बाई में 1 प्लस का x स्क्वायर। ये 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर du बाई dx से dx कर गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका du बाई dv इक्वल टू में 1 बाई ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, 1 बाई 4 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।